20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया के नक्शे पर एक देश बदहाल हो चुका था। अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी हो चुकी थी। गरीबी इतनी कि खाने के भी लाले पड़े थे। दुकानों से रोटियां लूटी जा रही थी, वह भी तब जब देश में कृषि का बोलबाला था। मगर देश का शासक निरंकुश था। दैवीय शक्ति का दावा करने वाला शासक जनता की भलाई से लापरवाह था। साम्राज्य विस्तार उसका एकमात्र लक्ष्य था। साम्राज्यवाद की ऐसी सनक थी कि कई जंग हारने के बाद भी प्रथम विश्व युद्ध में वो कूद पड़ा। यह सब कुछ तब हो रहा था जब देश के मजदूर और किसान लाचार थे, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। दशकों से जमे बारूद में चिंगारी जब भड़की, तब एक क्रांति का उदय हुआ। एक क्रांति जो जारशाही की निरंकुशता के कारण भड़की थी। एक क्रांति जो निकम्मी नौकरशाही के कारण पैदा हुई। एक क्रांति जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों और किसानों के कारण जन्मी। और वही क्रांति जिसने सबसे पहले कम्युनिस्ट देश की स्थापना की। यह थी ऐतिहासिक रूसी क्रांति, जिसने न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया में सियासत की एक नई इबारत लिखी। इस क्रांति के बाद ही पहली बार कार्ल मार्क्स के सपनों को जमीन पर उतारा गया। पहली बार किसी क्रांति ने जमीन, रोटी और डेमोक्रेसी का नारा दिया। पहली बार समाजवाद की शुरुआत हुई, और इसके नायक बनने वाले कोई और नहीं बल्कि व्लादिमीर लेनिन थे। वही लेनिन जिसने राजा से सत्ता छीनकर सर्वहारा का राज स्थापित किया और पूरी दुनिया को क्रांति का पाठ पढ़ाया। आज आपको ऐतिहासिक रूसी क्रांति की पूरी कहानी बताएंगे। बताएंगे कि कैसे सत्ता की निरंकुशता से रूस बदहाल हो गया था। जानेंगे कि मजदूरों और किसानों की बेचैनी ने कैसे एक देश में क्रांति की चिंगारी भड़काई। रूस में कैसे मार्क्सवाद और समाजवाद की स्थापना हुई, उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। असल में रूसी क्रांति के कई कारण थे। इनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां शामिल थी। इस क्रांति के प्राथमिक कारणों में जारवादी सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार, किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच बढ़ता असंतोष और रूसी रूढ़िवादी चर्च पर राजशाही का नियंत्रण शामिल था। रोमनोव वंश के जारशाही शासन ने ग्रामीण किसान वर्ग और शहरी औद्योगिक श्रमिक वर्ग दोनों का खूब उत्पीड़न किया। इससे किसानों और मजदूरों दोनों के बीच एक तरह का असंतोष पैदा हुआ। रूसी किसानों का मानना था कि भूमि उन लोगों की होनी चाहिए जो उस पर खेती करते हैं। इन जमीनों पर सामंतों और पादरियों का कब्जा था। यह सब कुछ जारशाही सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। दरअसल 1760 के दशक में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई और 1783 में इस क्रांति का खात्मा हुआ। अमेरिका के मूल निवासियों की आजादी और उनके अधिकार की मांग को लेकर यह क्रांति भड़की थी। अमेरिकी वासियों की इस क्रांति को फ्रांस का साथ मिला था। फ्रांस की सरकार ने वॉशिंगटन की सेना को हथियार और गोला बारूद और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति की थी। फ्रांसीसी नौसेना ने ब्रिटिश बेड़े से लड़ाई की और वर्जीनिया में अमेरिकी लड़ाकों की रक्षा की। लेकिन अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के कूदने से उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। असल में फ्रांस की आर्थिक हालत पहले से ही खस्ता थी। ऐसे में अपनी माली हालत को नजरअंदाज कर अमेरिका में व्यापक खर्च करना फ्रांस के नागरिकों के गले नहीं उतर रहा था। लिहाजा फ्रांस में सरकार के प्रति लोगों का असंतोष भड़कने लगा। अमेरिकी क्रांति के खात्मे के ठीक 6 साल बाद यानी 1789 में फ्रांस में भी क्रांति भड़की। फ्रांस की यह क्रांति अपने आप में अनूठी थी। इससे फ्रांस और आसपास के देशों के नागरिकों को समझ आया कि प्रताड़ना और शोषण की स्थिति में वे क्रांति की आग को भड़का सकते हैं। भविष्य में इसका असर देखने को भी मिला। इस क्रांति का धुआं फ्रांस के रास्ते रूस पहुंचा। फ्रांस की तरह रूस में भी सामंत विशेषाधिकार से लैस वर्ग था और किसान मजदूर अधिकार विहीन थे। इनके बीच एक अलग प्रकार का तनाव मौजूद था, यानी रूस में सामंतों का हद से ज्यादा दबदबा था, जबकि रूस में किसानों की तादाद सबसे ज्यादा थी। भूमि का 67% हिस्सा सामंतों के पास था तो 13% हिस्सा चर्च के पास, यानी करीब 80% जमीन इन दो वर्गों के पास ही थी। किसान खेतों में मजदूरों की तरह काम करते थे। एक तरह से ये जमींदारों के गुलाम थे। इनका जीवन यापन जमींदारों द्वारा दिए गए भूमि के छोटे से टुकड़े की पैदावार पर निर्भर करता था। इसलिए 1860 में किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण 1861 में रूस में इस दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी जस के तस बने थे। अभी भी उनके पास जमीन के छोटे टुकड़े ही थे। दूसरी ओर
उन्हें जो भी जमीन आवंटित की गई थी उसके लिए उन्हें कई दशकों तक कर का भुगतान करना पड़ता था। 20वीं सदी की शुरुआत में भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद रूस में मुख्य रूप से किसान गरीब बने रहे और जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी। दूसरी तरफ रूस में उद्योग का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। रूस में 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पक्ष यह था कि रूस की औद्योगिक क्रांति में विदेशी पूंजी की बड़ी भूमिका थी। बड़े बड़े निवेशक विदेशी थे, मगर इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर स्थानीय रूसी नागरिक थे। ऐसे में इन निवेशकों को मजदूरों की स्थिति से कहीं ज्यादा अपने आर्थिक लाभ की परवाह थी। निवेशकों की सोच के चलते मजदूरों की अनदेखी होने लगी। दूसरी तरफ रूसी निवेशकों के पास पूंजी कम थी, ऐसे में वे विदेशी निवेशकों से आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। इसके चलते रूसियों की फैक्ट्री में भी मजदूरों की हालत बदतर हो गई। यानी फैक्ट्री चाहे रूसियों की हो या बाहर वालों की, हर जगह मजदूरों का शोषण हो रहा था। उन्हें उचित वेतन और अधिकार नहीं मिलते थे, इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो पाती थी। इससे मजदूरों में असंतोष बढ़ गया। इन कारणों ने मिलकर धीरे धीरे रूस को क्रांति के दहलीज पर ला खड़ा किया। रूसी साम्राज्य एक बड़े असंतुलन का भी शिकार था। शक्तिशाली वर्ग और आम जनता के बीच लंबी चौड़ी खाई थी। यहां तक कि साम्राज्य के सैनिकों और कर्मचारियों के बीच भी असंतुलन था। इस असंतुलन की बड़ी वजह थी रूस के पादरी और सामंत वर्ग जार के ज्यादा करीब थे, जबकि आम लोग और जार के बीच काफी दूरियां थीं। इसलिए किसानों और मजदूरों के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे और सभी अधिकार देश के शक्तिशाली वर्ग के हाथों में केंद्रित थे। रूसी क्रांति को उभारने में वहां के विचारकों की भी बड़ी भूमिका थी। अनेक रूसी विचारक यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से खासा प्रभावित थे। देश में शासन की निरंकुशता और गरीबों की आजादी के लिए वे उसी तरह के परिवर्तन रूस में भी चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों को जगाया और मजदूरों में संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया। यानी रूस की तत्कालीन स्थितियों में एक नरमपंथी जनतंत्रवादी अथवा सुधारक को भी क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान गोइंग टू द पीपल यानी जनता के पास जाओ नामक एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके तहत रूसी विचारक किसानों को क्रांति की राह दिखाने लगे। यूरोप के उदार विचारों ने भी रूसी क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया। भौतिक क्रांति से पहले रूसी जनता के विचारों में क्रांति हुई। जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पश्चिम के उदार विचारकों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। विभिन्न रूसी लेखकों जैसे कि टॉल्स्टॉय, टर्जने इत्यादि ने नवयुवकों के विचारों में क्रांति पैदा कर दी। वे पश्चिमी देशों में प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों की मांग करने लगे। जार ने अब उन्हें ठुकराने की कोशिश की, तब लोगों में एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ। उधर औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में मजदूरों के संगठन बनने लगे। इन संगठनों पर समाजवाद के विचार का खासा प्रभाव था। 1883 में रूसी साम्यवाद के जनक जॉर्ज प्लेखानोव के नेतृत्व में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। डेढ़ दशक बाद यानी 1898 में यह दल समाजवादी समूहों के साथ मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ नीतियों पर मतभेद के चलते पार्टी दो धड़ों में बट गई। एक धड़ा जर्मनी और फ्रांस में संसदीय चुनावों में भाग लेने वाले दलों का समर्थक था। इस धड़े में दूसरे के मुकाबले कम लोग थे, इन्हें मेंशेविक कहा जाता है। वहीं दूसरा धड़ा जिसमें ज्यादा लोग थे उसकी सोच बिल्कुल उलट थी। उनका मानना था कि जिस देश में कोई संसद नहीं है और जहां कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वहां संसदीय व्यवस्था के अनुसार संगठन बनाना अक्लमंदी की बात नहीं है। इस धड़े को बोल्शेविक कहा जाता है। व्लादिमीर लेनिन इसी के नेता थे। धीरे धीरे लेनिन बोल्शेविक पार्टी को मजबूत करने में लग गए। वो इस पार्टी का इस्तेमाल क्रांति के एक उपकरण के तौर पर करने लगे। इसी दौरान लेनिन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर निर्वासित जीवन बिताने के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। इसी निर्वासन के दौरान वो मार्क्सवादी रूसी सामाजिक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में एक प्रमुख सिद्धांतकार बनकर उभरे। रूस में समाजवादी दलों का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ ही रहा था कि वहां 1905 की क्रांति हो गई। असल में 1904-5 में रूस में जापान से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें रूस की हार हो गई। आधुनिक इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी यूरोपीय शक्ति को एशियाई शक्ति से हार मिली हो। इसी शर्मनाक हार के साथ एशिया में
सदियों से अनियंत्रित रूसी विस्तार का अंत हो गया। इस सैन्य उलटफेर ने पूरे एशिया पर आधिपत्य स्थापित करने के रूस के सपने को चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ इस हार से यह भी साबित हुआ कि रूस की सैन्य स्थिति कमजोर हो रही है। इसने रूस की घरेलू अशांति में इजाफा कर दिया। एक छोटे से देश से हारने के कारण जनता जार के शासन की विरोधी बन गई। उन्हें महसूस हुआ कि इस हार का एकमात्र कारण जार की निर्बल और अयोग्य सरकार है, जो युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन करने में नाकाम रही। इसी जंग के बीच रूस में एक आंदोलन हुआ जिसने रूसी क्रांति की नींव रख दी। असल में 20वीं सदी के शुरू में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वह एक तानाशाह था जिसकी नीतियां जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध चरम पर पहुंच गया। 9 जनवरी 1905 को रूसी मजदूरों का एक जत्था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए निकला। ये लोग सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद विंटर पैलेस की ओर जा रहे थे, लेकिन निरंकुश शासक के सिपाहियों ने मजदूरों पर गोलियां बरसा दी। सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर खून की होली खेली गई। चूंकि 9 जनवरी को संडे का दिन था, इसलिए यह घटना इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। इस घटना में हजारों की संख्या में मजदूर और उनके परिजन मारे गए और समूचे रूस में जार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। लिहाजा देर सवेर दूसरी क्रांति तो होनी ही थी, इसलिए 1905 की घटना को 1917 की क्रांति की पृष्ठभूमि के तौर पर जाना जाता है। इस क्रांति के दौरान रूस में नए तरह के संगठन की शुरुआत हुई, जिसे सोवियत नाम दिया गया। यह एक परिषद थी जो मजदूरों के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन बहुत कम समय में ही यह परिषद राजनीतिक ताकतों के इशारों पर काम करने लग गई। इसी तरह किसानों की भी सोवियत बनती है, जो 1917 की क्रांति में अहम भूमिका निभाती है। जनवरी 1905 के खूनी रविवार नरसंहार के बाद जार के प्रति लोगों का संतोष चरम पर पहुंच गया था। जब राजशाही पर दबाव बढ़ा, तब जार निकोलस को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शासन ने अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया। यह घोषणा पत्र अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन बनाने की आजादी की बात करता है। इसमें एक निर्वाचित संसद यानी ड्यूमा के गठन की बात की गई। इसके जरिए स्पष्ट रूप से रूस को असीमित निरंकुशता से संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया। हालांकि बाद में जार अक्टूबर घोषणा पत्र में किए गए वायदों से मुकर गया। जहां एक ओर जार अपने वायदों पर टिका नहीं रहा, वहीं ड्यूमा भी रूसी जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। जनता की परेशानियां जस की तस बनी रही। असल में ड्यूमा का अस्तित्व जार की इच्छा पर निर्भर था, इसलिए वो इसे बार बार भंग करता था, जिससे रूस में लोकतंत्र कायम नहीं हो सका। प्रावधान था कि ड्यूमा की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि ड्यूमा कुलीन प्रभुत्व वाले स्टेट काउंसिल की मंजूरी के बिना कानून पारित नहीं कर सकता। इस काउंसिल में आधे सदस्य सीधे सम्राट द्वारा ही नियुक्त थे। कानूनों में यह निर्धारित था कि मंत्रियों को ड्यूमा द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा और वे इसके प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके अलावा निकोलस के पास ड्यूमा को बर्खास्त करने और जब चाहे तब नए चुनावों की घोषणा करने की शक्ति थी। कुल मिलाकर ये कि जमीनी स्तर पर रूस की सरकार एक गैर आधिकारिक पूर्ण राजशाही बनी रही। ड्यूमा का गठन इस उम्मीद में किया गया था कि यह रूसी साम्राज्य में सुधार लाएगा और राजशाही और जनता के बीच मध्यस्थता करेगा। इसे एक तरह की विधायिका के रूप में देखा गया, जो देश की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा कर सकती थी, लेकिन ड्यूमा की शक्तियां सीमित। राजा निकोलस अक्सर इसके फैसलों को अनदेखा या फिर खारिज कर देता था। इसके अलावा ड्यूमा के चुनावों में भी तमाम तरह की गड़बड़ियां थीं, जिससे इसकी प्रतिनिधित्वकारी शक्ति कमजोर पड़ गई। हालांकि इससे सिर्फ आम लोगों के बीच असंतोष नहीं था, कुलीन वर्ग के बीच भी बेचैनी थी। ड्यूमा के कई बार विघटन ने कुलीन वर्ग के उदारवादी तत्वों तक में भी असंतोष फैला दिया। देश तमाम तरह की अशांतियों से गुजर ही रहा था कि 1914 में शुरू हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस कूद पड़ा। 1914 के अगस्त महीने में रूस सर्बिया, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जार निकोलस इस जंग के जरिए अपने साम्राज्य विस्तार का सपना देख रहा था, लेकिन रूस के लिए इस युद्ध में शामिल होना विनाशकारी साबित हुआ। रूस के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस जर्मनी की सेना के सामने फिसड्डी साबित हुए। इस युद्ध में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रूस के पास बहुतंत्रीय सेना होने के बावजूद वो बड़े नुकसान से होकर गुजरा।
फरवरी 1917 तक करीब 6,00,000 रूसी सैनिक मारे गए। इस जंग में रूस को मिली हानि सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा में और इजाफा करने वाली वजह बन गई। इस युद्ध ने रूस को सामरिक रूप से कमजोर कर दिया। बड़े पैमाने पर सैनिक तो शहीद हुए ही, आर्थिक हालत खस्ता हो गई। ऐसे में युद्ध के लागतों के लिए सरकार ने लोगों पर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। लोगों को भुखमरी और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। युद्ध में नाकामी से साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और लोगों का आत्मविश्वास डिग गया। लिहाजा लोगों में असंतुलन बढ़ा और उनमें एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ। सैनिकों को आधिकारिक सहायता, उचित शर्तें और योग्य नेतृत्व में कमी होने के कारण सफलता मिलना मुश्किल था। सैन्य की कमजोरी ने सामाजिक असंतोष को और ज्यादा बढ़ाया। शिक्षा की कमी से लोगों में अवसाद पनपा और यह भी अर्थव्यवस्था में सुधार की राहों में रुकावट बनता रहा। ज्यादातर लोगों की पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं थी। दरअसल रूसी साम्राज्य एक अद्भुत साम्राज्य था जो एकल सत्ता के सिद्धांत पर आधारित था। साम्राज्य के सामने समाज में भेदभाव की समस्या थी। अधिकारी वर्ग और सामान्य लोगों के बीच लंबी चौड़ी खाई थी। यह समस्या अन्याय और राजनीतिक उपेक्षा को बढ़ा रही थी। साम्राज्य में राजनीतिक असंतुलन था जो विभिन्न समूहों के बीच विवादों को बढ़ा रहा था। विभिन्न राजनीतिक समूहों की आपसी टकराहट ने रूसी समाज में अशांति और असमंजस को बढ़ा दिया। फिर 1905 में हुए उदारवादी परिवर्तन की कोशिशें भी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में नाकाम रही। उदारवादी परिवर्तनों का पर्याप्त असर नहीं हुआ और लोगों के बीच आर्थिक असमानता बनी रही। उदारवादी परिवर्तनों में सरकार की नकारात्मक सोच से लोगों की उम्मीदें टूट गईं। इससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास कम होता गया। इन सभी कारणों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध के चलते रूसी साम्राज्य में पैदा होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों को बढ़ाया। इस संकट ने क्रांति की दिशा में रूस को एक और कदम आगे बढ़ा दिया। क्रांति से पहले कुछ इलाकों में कृषि की स्थिति खराब थी। किसानों के पास अच्छे दानों का अभाव था जिसके कारण उत्पादन में भारी कमी हुई। दूसरी तरफ 1916-17 में रूस में भीषण अकाल पड़ा। इससे भयंकर रूप से खाद्यान्न संकट पैदा हुआ। इस संकट के लिए लोगों ने राजशाही को जिम्मेदार माना। आखिरकार यह गुस्सा क्रांति में तब्दील हो गया। मार्च 1917 आते आते जनता की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उनके पास न पहनने को कपड़े थे, न खाने को अनाज। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च को पेट्रोग्रेड की सड़कों पर घूमना आरंभ किया। रोटी की दुकानों पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी। उन्होंने बाजार में लूटपाट करना शुरू कर दिया। सरकार ने सेना को क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया ताकि लूट मार करने वालों को तितर बितर किया जा सके, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। 8 मार्च को महिला श्रमिक ब्रेड के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद रूस में मजदूरों की हड़ताल शुरू हो गई। इस हड़ताल में सैनिक और किसान भी शामिल हुए। इससे पूरे रूस में क्रांति का आगाज हुआ। 12 मार्च को सेंट पीटर्सबर्ग पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया और जल्दी ही क्रांतिकारियों ने मॉस्को को भी अपने कब्जे में कर लिया। जार को अब अपना अंत सामने नजर आने लगा। तब ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद ड्यूमा ने 12 मार्च को प्रांतीय सरकार का गठन कर दिया और इस तरह से रूस से राजतंत्र का खात्मा हो गया। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर सोवियत का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया और अलेक्जेंडर करेंस्की इसके प्रमुख बने। ऐसे में कुछ दिन बाद ही जार को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। सदियों से रूस में आ रहे रोमनोव वंश के शासन का अंत हो गया। इस सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी, कानून के समक्ष समानता और संगठन बनाने के अधिकार का समर्थन किया और हिंसक क्रांति का विरोध किया। इस सरकार की स्थापना से रूस में भी पश्चिमी देशों की तरह प्रजातांत्रिक और पूंजीवादी शासन के संकेत मिलने लगे, जबकि रूस की क्रांति मजदूरों, किसानों और सैनिकों द्वारा प्राप्त की गई थी। दूसरी ओर करेंस्की युद्ध मंत्री बनकर विश्व युद्ध में रूस की जंग को जारी रखता है, जबकि देश में लोगों ने जार के विश्व युद्ध में कूदने की खूब आलोचना की थी। करेंस्की के इस कदम से रूस में खाद्य आपूर्ति की समस्या और बढ़ गई।
क्योंकि आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब थी, यानी क्रांति के बाद बनी नई सरकार भी लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गई। नतीजतन रूस में एक और क्रांति हुई जिसे अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम जानते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने करेंस्की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों के हाथ में देने की बात की। असल में फरवरी क्रांति के समय लेनिन निर्वासन में थे, मगर अप्रैल में वो रूस वापस आ गए। उनकी बोल्शेविक पार्टी किसानों को जमीन वापस देने की मांग करने लगी और ऑल पावर टू द सोवियत्स का नारा शुरू हुआ। गैर रूसियों के सवाल पर भी वे मुखर हुए और उनके लिए समान अधिकार की वकालत करने लगे। बोल्शेविकों ने सरकार के सामने अपनी चार मांगे रखी। पहली, राज्य के उत्पादन और वितरण के साधनों पर मजदूरों और किसानों का नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी मांग, रूस में शांति की स्थापना हो और इसके लिए सरकार प्रथम विश्व युद्ध से खुद को अलग करे। तीसरी मांग थी, खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक हो। चौथी और अंतिम मांग के मुताबिक गैर रूसी लोगों को भी देश में समान दर्जा मिलना चाहिए। इस मांग के पीछे वजह थी कि रूसी साम्राज्य एक बहुदेशीयता वाला साम्राज्य था। रूस की लगभग आधी आबादी में पोलैंड, फिनलैंड, लात्विया और लिथुआनिया जैसे देशों के लोग थे। ये संख्या के मामले में अल्पसंख्यक थे। जार ने गैर रूसी राष्ट्रीयताओं की भाषाओं में पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई थी। सरकार ने गैर रूसियों के खिलाफ देश में नफरत की भावना का प्रसार किया। रूसी उन्हें निम्न जातियों के रूप में देखते थे। चूंकि करेंस्की गवर्नमेंट इन मांगों को ठुकरा देती है, इसलिए रूस में क्रांति भड़क उठी। क्रांति के दौरान बोल्शेविकों ने सरकारी भवनों, रेलवे, बिजली घरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 17 नवंबर 1917 को करेंस्की सरकार गिर गई। नतीजा ये हुआ कि करेंस्की को त्यागपत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में राजतंत्र का खात्मा हुआ और सर्वहारा का शासन स्थापित हो गया। जर्मनी के साथ बेस्टलिटोवस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया। रूस में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। रूसी साम्राज्य के सबसे बड़े शोषक सामंत कुलीन वर्ग और चर्च के शासन की समाप्ति हुई। वर्ग भेद का खात्मा हुआ और देश में शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। रूसी क्रांति ने दुनिया को संदेश दिया कि मार्क्सवाद और समाजवाद ही आवाम की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है और एक टिकाऊ सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का जरिया बन सकता है। इस तरह दुनिया में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना की पहली कोशिश के रूप में रूसी क्रांति दुनिया भर के लिए एक नजीर बन गई। हालांकि लेनिन के सत्ता में आने के तुरंत बाद रूस गृह युद्ध का शिकार हो गया। इसमें जार के सैन्य अधिकारी लेनिन की सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आगाज करने लगे। इस जंग में फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे देश भी इनके साथ थे। इस युद्ध में जार की सेना को व्हाइट आर्मी और सोवियत की सेना को रेड आर्मी का नाम दिया गया। इस जंग का खात्मा 1921 में रेड आर्मी की जीत के साथ हुआ। लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। असल में रूसी क्रांति विश्व इतिहास में एक अहम टर्निंग पॉइंट के तौर पर उभर कर सामने आई। इसने न सिर्फ रूस में बल्कि पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ा। इस क्रांति ने पश्चिमी देशों में साम्यवाद के प्रति एक प्रकार के डर को उभारा। इस क्रांति ने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के बराबर खड़ा हो गया। 1950 के दशक के शीत युद्ध में इसका सबसे बड़ा प्रमाण छिपा है। इसी क्रांति ने पूरी दुनिया को समाजवाद की राह दिखाई, जिसे दुनिया के कई देशों ने अपनाया। इस तरह से रूसी क्रांति पूरी दुनिया के लिए एक नई इबारत लिखने में कामयाब रही। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी दिलचस्प कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर जो भी आपके सुझाव या फीडबैक हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।